संसद में आग लगी, लेकिन देश के किसानों के सामने तो चूल्हे की आग बुझ जाने का खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से मन की बात की, लेकिन मोदी की बातें भी किसानों की मायूसी दूर ना कर सकें। देश के 13 राज्यों में हाहाकार मचा है। करोड़ों किसानों की कमर टूट चुकी है, पेट पर आफत है, चूल्हे की चिंता जिंदगी को दुश्वार कर रही है। उम्मीद थी कि मोदी मन की बात करेंगे तो सुध अन्नदाताओं की भी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई भूमि अधिग्रहण किसानों की भलाई के लिए ही होना चाहिए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। जितने झूठ फैलाए जाते हैं, कृपा करके मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप इन झूठ के सहारे निर्णय मत करें। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ये है हमारा किसान ताकतवर कैसे बने, हमारा गांव ताकतवर कैसे बने। मोदी ने बात तो की अपने मन की, लेकिन मन महसूस कर रह गए 13 राज्यों के करोड़ों किसान। बर्बाद फसल का जिक्र भर किया और रेडियो पर मोदी वाणी को दिल थाम कर सुन रहे किसानों की उम्मीदों पर बेमौसम की बारिश की तरह पानी फिर गया। मोदी की पूरी कोशिश सरकार के लैंड बिल को सही ठहराने और विपक्ष के सवालों को कटघरे में खड़ा करने की रही। कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठकर के जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अब आप देखिए, जब डैम बनता है, जलाशय बनता है, तो उसका नियम यह है कि 100 साल में सबसे ज्यादा पानी की संभावना हो, उस हिसाब से जमीन प्राप्त करने का नियम है। आज टूटी तो आज तक के कैमरे पर किसानों के मन की कड़वाहट भी सामने आई। शुद्ध देसी अंदाज में मोदी ने मन की बात के जरिए किसानों को लैंड बिल के मायने समझाए। मोदी का कहना था कि सरकार किसानों की जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ है। पहले बंजर जमीन का ही अधिग्रहण किया जाएगा, जरूरी हुआ तभी खेती वाली जमीन अधिग्रहित होगी। किसानों की सहमति के बाद ही जमीन का अधिग्रहण होगा। मोदी तमाम तर्कों और दावों से भूमि अधिग्रहण बिल को जायज ठहराते रहे, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उनकी सरकार ने इन 13 कानूनों में संशोधन लाया है और यूपीए की सरकार इसको भूल गई, ये बिल्कुल शत प्रतिशत झूठ है। ये उनकी मन की बात का कोई मतलब नहीं है। ये लैंड एक्विजिशन बिल वापस करो, सारा आप ही अकेले फैसला करने वाले नहीं हो। 13 में जो लैंड एक्विजिशन बना था, वो कई दिनों तक सारी पार्टियों के बीच में मंथन के बाद बना था, बीजेपी उसमें शरीक थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलती सियासत के सिलसिले के बीच यूपी के बांदा से दो किसानों की खुदकुशी की खबर भी आई। खुदकुशी की वजह कर्ज का बोझ और बेमौसम बारिश से तबाही बताई जा रही है। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भट्टा परसौल में अंजना कश्यप के साथ अशोक सिंघल, आज तक।